मोदी कैबिनेट में जल्द संभावित फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि कई राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए ये संभावित फेरबदल हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में जल्द संभावित फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी उच्च स्तरीय बैठक ने ताजा अटकलें बढ़ाई हैं। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में फेरबदल और उन राज्यों में बदलाव किए जाने संबंधी कयासों को बल मिला है जहाँ इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि पीएम मोदी ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लंबी चर्चा की थी। चर्चाएं हैं कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में संभावित संसद के मानसून सत्र से पूर्व मंत्रिमंडल में फेरबदल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। ये बैठक यहाँ प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने की संभावना है। ये कन्वेंशन सेंटर सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बैठक में भाग लेने के कारण राज्य स्तर सहित बीजेपी संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं क्योंकि पार्टी इस साल के अंत में होने जा रहे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। पिछले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने संगठन एवं राजनीतिक संबंधी मुद्दों पर वार्ता के कई दौर किए हैं। इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी केरल में राह बनाने के लिए जितनी उत्सुक है उसे देखते हुए मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी को मंत्री पद मिल सकता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।